राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके पोस्टर से सजी एक गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इस वीडियो में लाल टोपीधारी युवकों को भी साफ देखा गया। आज इस संबंध में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया और इसे प्रधानमंत्री मोदी की रैली फेल करने की एक साजिश भी बताया। एक गंभीर विषय पर यह प्रेस वार्ता है। इट्स अ वेरी सीरियस इश्यू दैट वी आर गोइंग टू फ्लैग टुडे इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप जानते हैं कि विकास की विषय को किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर आगे बढ़ाया है। कल भी उत्तर प्रदेश में कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, रैली को संबोधित करने गए थे। एक बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक रैली को उन्होंने कल संबोधित भी किया। आज अखबारों में उन विषयों को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां समाजवादी पार्टी पे हुई है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में एक तरह से उस रैली को खत्म करने की साजिश, उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। आज कई अखबारों ने बहुत गंभीरता के साथ इस विषय को छापा है। जो भी अखबारों से हमें मिला है मैं आपसे साझा कर रहा हूं, आप इस षड्यंत्र को समझ पाएंगे। आप सबने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया उससे ठीक पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक गाड़ी थी, एक कार थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर लगे हुए थे, उसमें कुछ स्टिकर्स कमल के लगे हुए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक पोस्टर गाड़ी के पीछे लगा हुआ था। भाजपा की गाड़ी के रूप में उस गाड़ी को सजाया गया था और बीच चौराहे में गाड़ी को रोक करके लाल टोपी पहने सपा के कार्यकर्ता उस गाड़ी को तोड़ रहे थे, उस गाड़ी की खिड़कियों को तोड़ दिया और उसकी आगजनी करने की कोशिश की गई। ये सब हमने देखा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके पीछे की सच्चाई कितना गंभीर है। ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपुर रोड है। नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर में और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा। बंबा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केसरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे, ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं। इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसे देख करके भड़क जाएंगे, स्थानीय लोग इसे देख करके भड़क जाएंगे और मार पिटाई की व्यवस्था वहां आरंभ हो जाएगी, वहां आगजनी आरंभ हो जाएगी, वहां दंगे आरंभ हो जाएंगे। केवल और केवल इसी उद्देश्य के साथ इस प्रकार का एक षड्यंत्र रचा गया समाजवादी पार्टी के छात्र सभा द्वारा, उनके स्टूडेंट्स विंग द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के संयम को देखिए। हमारा एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास।
हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ही ध्येय के साथ हम आगे बढ़े, हम इस उकसाने में नहीं आए, किंतु आज समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हुई है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्रवर प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवे वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।